पहनकर लोग चूरन बेच रहे थे, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की जुबान से एक बार फिर कुछ ऐसा निकला है कि हंगामा हो जाए। दिग्विजय सिंह आज अध्यात्म पर बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग ने संत समागम बुलाया था, मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठे थे, नर्मदा मंदाकिनी ट्रस्ट के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने राज्य भर से साधुओं को बुलाया था, लेकिन दिग्विजय सनातन धर्म को बचाने की जरूरत बताते बताते क्या कह गए, एक बार फिर सुन लीजिए। व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। सवाल ये नहीं कि भगवा चोला पहनने वाले ढोंगी और अपराधी नहीं हुए, सवाल ये है कि क्या दिग्विजय के इन शब्दों में जाने अनजाने भगवाधारियों की एक छवि गढ़ दी गई? वो कहें और मैं इतना महत्वपूर्ण मानूं कि मुझे कोई रिएक्शन देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। हर बात उनसे पूछिए, मैं मुझे नहीं बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो हमेशा इस तरह के बयान खास मैं कुछ नहीं देता, वो प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, हर चीज का हमें कहां जवाब देते हैं। ये निहायत निंदनीय और शर्मनाक बयान है, ऐसा ये एकदम अस्वीकार्य भाषा है। आज भगवाधारियों का अपमान करने का उनको दंड मिल चुका है और दिग्विजय सिंह खत्म हो चुके हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को चाहिए कि वो इसके लिए क्षमा मांगे। वैसे दिग्विजय जब अपने बयान से रेप के आरोपों में घिरे चिन्मयानंद सरीखों पर हमला बोलकर राजनीतिक निशाना साध रहे थे, तो सवाल साधुओं को लेकर राजनीति पर भी है। जिस कंप्यूटर बाबा ने भोपाल में संत समागम का आयोजन किया, आयोजन के दौरान साधुओं के बनाए मंदिरों के लिए जमीनों की मांग रखी, उन्हीं कंप्यूटर बाबा ने लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के लिए विशेष पूजा की थी। अब ये बात और है कि दिग्विजय सिंह की नेक सलाह है कि मठों मंदिरों को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। पूरा प्रयास इस देश में हो रहा है कि कैसे मठ और मंदिरों पर कब्जा किया जाए, कैसे मठ मंदिरों को राजनीतिक अड्डा बनाया जाए, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।